पर किस चीज की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है? जहाँ पार्टी कैंसस पार्टी के ऑफिस में पार्टी की कॉन्फ्रेंसी की जा रही है, मीटिंग हुई है किसके विषय पर? पार्टी के विषय में मीटिंग हुई है और नया चिनानी कोल्ड विधानसभा के लिए पैंसठ पार्टी का उम्मीदवार घोषित करेंगे। आज आज तिथि 22/2/2022 है और मंगलवार है और चिनानी गोल्डी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के लिए मंगल मज ही ये दिन होगा। पैंसठ पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करने के लिए ये मीटिंग हुई है। उम्मीदवार कौन हो गए हैं? चिनानी कोल्डी विधानसभा क्षेत्र से पैंसठ पार्टी के उम्मीदवार पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ही पार्टी के उम्मीदवार होंगे चिनानी कोल्डी विधानसभा के क्षेत्र से। मार है, मैं चिनानी तहसील से यूथ प्रेसिडेंट हूँ पैंथर्स पार्टी का। आज जहाँ पर चिनानी ऑफिस में पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से एक मीटिंग की गई, जिसमें ये फैसला लिया गया कि पैंथर्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं हमारे हर्षदेव जी, वो चिनानी गोल्डी के हमारे जो उम्मीदवार होंगे। सभी कार्यकर्ताओं का यही फैसला है। धन्यवाद। मैं पैंथर पार्टी का वर्कर हूँ और यहाँ पे आज हमारे सभी कार्यकर्ता के आपस में एक मीटिंग हुई। उसमें यह तय पाया गया कि हमारा इसमें आने वाली इलेक्शन में लीडर कौन होगा। तो सभी के ख्यालात जानते हुए ये एक अप्रूवल दिया कि हम अपनी तरफ से श्री हर्षदेव सिंह जो पैंथर पार्टी के चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर के, उनको अपना लीडर चिनानी की इलेक्शन लड़ने के लिए उनको घोषित करते हैं। ये सभी का कहना था। उसी विषय पर हम लोग यहाँ आए और इकट्ठे हुए और हम सारे पैंथर पार्टी के वर्करों की तरफ से और जो साहिबान जहाँ सभी बैठे हैं उनकी तरफ से हर्षदेव सिंह जी को हम अपनी तरफ से एक कहते हैं कि सादा देते हैं कि वो अपनी इस सीट पर आकर चिनैनी में इस पर सभी लीडरों से या कार्यकर्ताओं से आप मिलें और इस इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। ये सभी की उम्मीद है और हम उनको एक मैंडेट भी पब्लिक से दे रहे हैं। मैंडेट जो होता है वो पब्लिक की तरफ से, चिनैनी की पब्लिक की तरफ से हम मैंडेट सभी लोग दे रहे हैं वो इस सीट पर इलेक्शन लड़ें और चिनैनी के लोगों की सेवा करने में अपना वक्त समय जो है वो गुजारें। आगे धन्यवाद।